मेरा नाम अबीरा अख्तर है, मैं कराची से हूँ। ये मेरा तीसरा विज़िट है करीमाबाद पे। इतनी तब्दीली हो गई है, कितनी और जगहें रोड्स और कितनी बेहतर हो गई हैं, और अब सी खूबसूरती जो पहले थी वो भी है, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो ये देख के कि अब और लोग आ रहे हैं इधर। फर्स्ट टाइम आई केम इन एज अ टूरिस्ट, वी लव मुनसा एंड आई फेल इन लव विद ऑल द माउंटेंस इन पाकिस्तान। मेरा नाम जी अदनान भट्टी है, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मुनसा वैली को विजिट करने के लिए आया हूँ। नारान यहाँ तक का जो रास्ता है, जो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, जो रोड स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है थ्रू आउट फ्रॉम नारान टू मुनसा वैली करीमाबाद, बेहतरीन रोड्स, बड़ा अच्छा कम्फर्टेबल ट्रैवलिंग रही हमारी, और यहाँ पे आके बलतीत फोर्ट को विजिट करने के लिए आए हैं। My name is Joyce. I come from Singapore and I'm here to tour Pakistan with my husband on his BMW bike. So far this is 3/4 of our journey and we are very, very, very impressed with Karakoram Highway, and I hope to come back again many, many times in the near future. And I have very good experience with the people here. They are very kind, very hospitable. हम कराची से आए हैं फैमिली के साथ। बहुत ख्वाहिश थी नॉर्दर्न एरिया देखने की, और इस्लामाबाद से हमने बाई रोड अभी तक हमजा का ट्रैवल किया है। रास्ते में नारान से होते हुए लालूसर लेक, बाबूसर पास, बेहतरीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इतने अच्छे मनाजिर देखने को मिले हैं कि बयान करना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल यहाँ का एनवायरनमेंट, नीटनेस, मैं यहाँ की नीटनेस सफाई तरह देख के बड़ा सरप्राइज हूँ। दोस्तों के साथ, भाई फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं और वी आर इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। या लोकल लोग जिनके साथ मेरा इंट्रैक्शन रहा है, उन्होंने बड़ा ही अच्छा खुशी खिलाकी का मुजाहरा किया है और बड़े मेहमान नवाज हैं। और ना सिर्फ बाहर से लेकिन पाकिस्तानी भी बहुत आ रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे होते थे, और तो यही बात है कि जो टूरिज़्म की एक जो अवेयरनेस पैदा हुई है, और स्पेशली अभी जब उसी करकोरम हाईवे और जो पूरे ये जो सारे रास्ते हैं वो हैं, एंड आई थिंक लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात जो होती है वो लोकल से जो इंटरेक्शन होता है, इधर की स्टोरी सुनने का जो होता है, इधर की लोकल चीज़ें अप्रिशिएट करने का जो मौका मिलता है। तो आई थिंक सबको इधर आना चाहिए, और सिर्फ मतलब करीमाबाद तो ऑब्वियसली फिर भी थोड़ा इट्स मोर कमर्शलाइज्ड, और अगर आप आगे जाते इतनी ट्रैक्स हैं वो, तो आई थिंक उनका तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मैच द ब्यूटी जो आपको वहाँ पे दिखती है। और अभी हम यहाँ बलतीत फोर्ट पे पहुँचे हुए हैं। ये भी एक बेहतरीन व्यू और यहाँ से मिल रहा है हमें। फुल रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ लोग आएँ। रास्ते भी अब बहुत बेहतर हो गए हैं पहले के मुकाबले में, और पूरी कोशिश है कि हम इसको पूरा फ़ायदा उठाएं यहाँ से। क्लाइमेट मॉडरेट है, दिन के टाइम में गर्मी सी है, अगर हाइट पे जाएं तो शाम को थोड़ी सर्दी होती है, लेकिन अभी तक ना हमें बारिश मिली है, और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ काफ़ी नज़र आ रही है इस वक्त भी, ख़ासकर कराकोरम हाईवे पर जब आप जा रहे होते हैं, साथ साथ रिवर चल रहा होता है, रिवर इंडस और भी, और बहुत खूबसूरत भी है। लोग बड़े ही लविंग हैं, बड़े केयरिंग हैं, आपके खुश अखलाकी के साथ पेश आते हैं, तो ये एक बड़ा यहाँ का एक प्लस पॉइंट है जिसने मुझे वाकई बड़ा सरप्राइज किया। यहाँ पे तीन पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, वहाँ पे स्टे करके हमने कुछ वहाँ पे फोटोग्राफीज भी की, वहाँ पे स्टे भी किया। बाबू सर टॉप के ऊपर थोड़ा ऑक्सीजन की थोड़ी सी मेरे जैसा ज़रा हो तो ज़रा फील होता है, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर है, मौसम को अपनी पूरी होल ट्रैवलिंग को, वहाँ की रोड और स्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा था कि हमें शायद इतना ज़्यादा मज़ा पहले किसी और ट्रैवलिंग में नहीं आया जितना इस ट्रैवलिंग के अंदर आया। बिल्कुल मेरे ख्याल में मेजॉरिटी में जो हमारे लाहौर से या सराउंडिंग एरिया से, सिटी से जो बिलोंग करते हैं, मोस्टली हम लोग जो मरी या ये साइड्स हैं यहीं पर ज़्यादा विज़िट करते हैं, लेकिन ये जगह जितनी मैंने देखी हैं इतनी को खूबसूरत हैं, और यहाँ पे आपको एक सुकून का एहसास होता है। पुरसकून इन्वायरमेंट है, हवा भी बड़ी अच्छी है और बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ पे आके आप जब एक पहाड़ी सिलसिले को साथ देखते हैं, तो यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर थोड़ा तेज़ है लेकिन ऊपर बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं, तो एक बड़ा ही आपको एक सुकून और एक पीस महसूस होता है।
weekend, but I came to trek in K2 base camp and Gondokulola. And it's a great thing that our group can successfully cross the Gondokulola, which is quite difficult trek. And all of them are beautiful, and walking over the glacier and see all those mountains around you, especially in Concordia or the Trollum of Mountain Gods, that kind of feeling, you know, make you feel like humble, human, and you know, you feel tiny and you feel part of the universe. मैंने नलतर की ट्रैक की भी है और हरामोश की ट्रैक की भी है दोनों. तो आई ऑब्वियसली वो तो अलग एक्सपीरियंस ही होता है, क्योंकि आप टेंट में रह रहे होते हैं या फिर आप वही एक करके एक बेस कैंप पे जाते हैं, वापस आते हैं. जितना आप ऊपर जाते रहते हैं और खूबसूरत होता रहता है, स्पेशली नलतर में. तो ऑब्वियसली एक तो जो एक लेके फिर उनका थर्ड बेस कैंप है जहाँ पे इतने लोग नहीं जा पाते, क्योंकि जब बर्फ़ होती है तो हम लोग बहुत लकी थे जब हम लोग गए थे तो वो फिर भी एक्सेसिबल था. तो वहाँ पर इवन हरामोश वो भी बहुत ही खूबसूरत है. और मैं चाहूँगी कि मैं आगे जो और भी ट्रैक्स हैं, जैसे आप जब राकापोशी की तरफ जा रहे होते हैं बोर्ड पे सारे ट्रैक्स के नाम लिखे होते हैं, कि आइंदा वो भी सारे कर सकें. एंड आई एम हियर नाउ टू व्यू द गोल्डन कप एट द सनसेट. वी हैव ब्यूटीफुल वेदर टुडे. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नाइस लाइट टू हिट ऑन द स्नो माउंटेन टू ग्रैब अ गुड पिक्चर टू शो माय फ्रेंड्स हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज.